मोदी ने कर दी नई क्रांति की शुरुआत, तेल पर लगेगा ताला। भारत ने बढ़ा दी इथेनॉल की मांग, किसान हुए मालामाल। मोदी ने की पहल, हर साल 10 करोड़ समुद्री जीवों की बचेगी जान। 1 टन प्लास्टिक कचरे का हो गया खात्मा, भारत की क्रांति से चौंकी दुनिया। भारतीय पीएम का बड़ा फैसला, दुनिया को होगा अपनाना। होश खो देंगे जानकर, भारत ने जो कर दिया है काम। दोस्तों, तकरीबन आज से 200 साल पहले तेल की खोज हुई थी और इस तेल की वजह से दुनिया भर में ना जाने कितने युद्ध हुए, लेकिन यही तेल अब खत्म होने की कगार पर तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक ना एक दिन इस तेल का भी खात्मा हो जाएगा। और यहाँ पर सवाल ये निकल कर आ रहा है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया तेल के ऊपर निर्भर होती हुई चली जा रही है, अगर तेल खत्म हो जाएगा तो दुनिया क्या करेगी? इसके अलावा जिस तरीके से हर साल 1 टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में जाता है, भारत की तरफ से इसको रोकने के लिए भी एक बड़ा कदम उठा लिया गया है। यह हम कह सकते हैं कि भारत की तरफ से एक बहुत बड़ी क्रांति का आरंभ कर दिया गया है। इस चीज को देखकर दुनिया का हर एक देश भारत से कुछ न कुछ सीख जरूर लेगा। 1 टन प्लास्टिक कचरे की वजह से हर साल 10 करोड़ समुद्री जीवों की मौत हो जाती है। इसको रोकने के लिए भी भारत की तरफ से एक क्रांति की शुरुआत कर दी गई है। पूरी दुनिया की नजर भारत की इस नई क्रांति पर टिकी है। मोदी सरकार की तरफ से एक साथ 3 नई क्रांति की शुरुआत की गई। खत्म हो रहा तेल से लेकर बढ़ रही समस्याओं तक सभी जवाब भारत की तरफ से दे दिए गए हैं। भारत ने दुनिया को तेल के विकल्प का रास्ता दिखा दिया। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, साल 2021-22 में भारत ने 9.86 लाख करोड़ का कच्चा तेल आयात किया था और ये एक बहुत बड़ी रकम है। इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि अगर ये रकम देश के बाहर ना जाए तो भारत किसी भी देश के ऊपर तेल को लेकर निर्भर ना रहे। तो इन पैसों से हम भारत के प्रधानमंत्री आवास योजना को 20 साल तक चला सकते हैं। इसके अलावा गरीब परिवारों को 5 साल तक मुफ्त राशन बांटा जा सकता है। देश के 8 साल का कृषि बजट भी इससे बनाया जा सकता है और देश के स्वास्थ्य का 11 साल का बजट, यानी कि ये इतनी बड़ी रकम है, इसके माध्यम से देश को एक नई ऊंचाई तक लेकर जाया जा सकता है। ये पैसा देश में लगने के बजाय विदेश में तेल को खरीदने के लिए उपयोग में लिया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसी निर्भरता को कम करने का काम शुरू कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक नई क्रांति की शुरुआत कर दी। इसके चलते हुए पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल की मिक्सिंग होगी और अभी देश में जो पेट्रोल मिलता है उसमें 10% इथेनॉल मिक्स होता है, लेकिन आज से देश के 23 राज्यों के 100 पेट्रोल पंपों पर 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा। भारत ने टारगेट सेट कर लिया है कि 2025 तक पूरे देश में 20% इथेनॉल मिक्स पेट्रोल मिलना शुरू कर दिया जाए। पहले दोस्तों ये टारगेट 2030 तक का रखा गया था, लेकिन भारत सरकार ये बात अच्छे से समझ गई है कि देश का पैसा अगर देश में जाए तो देश को ही फायदा होगा। ये पैसा विदेश में जा रहा था, जिसको रोकने के लिए जल्द से जल्द इस पर काम करना शुरू कर दिया जाएगा, जिससे कि ये पैसा देश में ही रहेगा और देश के किसानों को इससे एक बड़ी मदद मिलेगी। सरकार के पेट्रोल के आयात में कमी आएगी। अगर भारत एक बार 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट हासिल कर लेता है तो इससे सरकार के विदेशी मुद्रा भंडार में सालाना 54,000 करोड़ रुपए बचेंगे। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें, इथेनॉल गन्ने और दूसरे अनाजों से बनता है, जिससे इसके बढ़ावे का दूसरा फायदा किसानों को मिलने वाला है, जिससे किसानों की सालाना इनकम 49,000 करोड़ रुपए बढ़ सकती है। इथेनॉल एक तरीके का बायोफ्यूल है जो चीनी को फर्मेंट करके बनाया जाता है, और इथेनॉल ज्यादातर गन्ने से ही निकाला जाता है, लेकिन बाकी अनाजों से भी इसको निकाला जा सकता है। देश की एनर्जी को इथेनॉल पर शिफ्ट करना न केवल देश की एनर्जी का एडवांसमेंट है, बल्कि ये जरूरत भी है, क्योंकि इथेनॉल पेट्रोल से कम प्रदूषण वाला ईंधन है। इसके अलावा दुनिया में तेल को लेकर काफी लंबे समय से युद्ध चलता हुआ आ रहा है और आने वाले समय में ये तेल भी दुनिया से खत्म हो जाएगा, जिसको लेकर अनुमान ये लगाया जा रहा है कि दुनिया के पास अब 40 सालों का तेल बचा हुआ है, यानी कि 2063 आते आते दुनिया पेट्रोल डीजल फ्री हो चुकी होगी। और इसके बावजूद दुनिया में तेल बचा होगा तो भी इस तेल से चलने वाली गाड़ियां दुनिया में मौजूद नहीं होंगी। यही वजह है कि पूरी दुनिया पेट्रोल से इथेनॉल के ऊपर शिफ्ट होने की तरफ बढ़ रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा इथेनॉल का प्रोडक्शन अमेरिका कर रहा है। हमें देखने को मिल रहा है कि अमेरिका एक साल में 1500 करोड़ गैलन इथेनॉल बना रहा है। दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जो कि 750 करोड़ गैलन का उत्पादन हर साल करता है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर यूरोपीय यूनियन है, जो कि 130 करोड़ गैलन का उत्पादन हर साल करता है। और इसके बाद आता है चीन का नंबर, जो कि 86 करोड़ गैलन हर साल उत्पादन करता है।
अगर हम भारत की बात करें तो भारत इस समय 455 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन कर रहा है। अगर भारत को पूरे देश में पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिक्स करना है तो यहाँ पर भारत को हर साल तकरीबन 1000 करोड़ लीटर का उत्पादन करना होगा। इसको लेकर भारत ने 2025 तक का लक्ष्य रखा है और आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि भारत अपने लक्ष्य को जरूर पूरा कर लेगा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सिर्फ इथेनॉल वाली क्रांति की शुरुआत नहीं की गई, बल्कि मोदी ने आप लोगों के किचन पर भी एक क्रांति की शुरुआत की है, जो कि है एक चूल्हा जिसको सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा, जिसे इंडियन ऑयल की तरफ से बनाया गया है। इसकी खासियत यह है कि यह सूरज की रोशनी पर सूर्य बोर्ड पर काम करता है और अगर सूरज नहीं निकला या धूप कम है तो ऐसे में यह हाइब्रिड मोड में या इलेक्ट्रिक के माध्यम से काम करता है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि दिन हो या रात आप इस पर किसी भी समय खाना बना सकते हैं। भारत न केवल इन चीजों के माध्यम से भारतवासियों को फायदा देना चाहता है, बल्कि भारत इन सभी टेक्नोलॉजी को विदेश में भी प्रचलित कराने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसी के चलते हुए भारत ने इसको बड़े लेवल पर पहुंचाने के लिए वर्ल्ड बैंक और बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ बातचीत भी शुरू कर दी। इस चूल्हे की कीमत 14,000 से 15,000 रुपए है, लेकिन सरकार के सब्सिडी के साथ ये 9,000 से 10,000 में भारतवासियों को मिल जाएगा। भारत सरकार की तरफ से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया है। इसी के चलते हुए इंडियन ऑयल की तरफ से इस प्लास्टिक को रिसाइकल शुरू कर दिया गया और इसके कपड़े बना डाले। यही कपड़ा अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिया गया। इसको लेकर बताया ये जा रहा है कि इन प्लास्टिक से बने 10 लाख से ज्यादा यूनिफॉर्म बनाए जाएंगे और जिन्हें तेल कंपनियों और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को दिया जाएगा। इसके साथ साथ भारत सरकार की प्लानिंग ये भी है कि इन सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी यूनिफॉर्म भारतीय सेना को भी दी जाए। इससे हर साल 10 लाख अनयूज्ड प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल कम हो जाएगा और एक यूनिफॉर्म बनाने में तकरीबन 28 प्लास्टिक की बोतलों की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया भर में हर साल 30 करोड़ टन से ज्यादा प्लास्टिक का प्रोडक्शन किया जाता है, जिसमें हर साल 1 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा समुद्रों में छोड़ दिया जाता है। इंसान इतना ज्यादा मतलबी हो चुका है कि यहाँ पर ये नहीं देखता कि इन प्लास्टिक की वजह से समुद्री जीव इन माइक्रो प्लास्टिक को अपना भोजन समझकर खा लेते हैं, जिसके कारण हर साल 10 करोड़ समुद्री जीवों की मौत हो रही है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की तरफ से इसको लेकर चेतावनी भी दी गई, जिसमें कहा गया कि 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा कचरा मौजूद होगा। भारत की तरफ से इसी चीज को खत्म करने के लिए एक ऐसा आविष्कार किया गया जिसको दुनिया का हर एक देश अपनाना चाहेगा और जो दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी सिंगल यूज प्लास्टिक बनी हुई थी, भारत ने उसका भी रास्ता निकाल लिया है। तो दोस्तों, भारत की इस पहल पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।